अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास सेवन बेटा डे टू का पार्ट टू हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री आपने सॉल्व करना है। इसमें पहले अच्छे से आपने क्वेश्चन को समझना है। मैं दोबारा कह रही हूँ बेटा, सब सारा काम क्वेश्चन को समझने का है, बाकी रेट निकालना कोई मुश्किल नहीं है। फॉर ईच ऑर्नामेंट, आपको पता होगा अच्छे तरीके से कि ऑर्नामेंट्स किसे कहते हैं। हमारे पास ऑर्नामेंट किसी भी चीज़ को डेकोरेट करने के लिए, हम जो है उस वर्ड डेकोरेशन वगैरह के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं, डेकोरेट जो चीज़ें होती हैं उनको ऑर्नामेंट का वर्ड यूज़ करते हैं। इसको और अच्छे से आप देख लीजिएगा। फॉर ईच ऑर्नामेंट डैट अ वर्कर मेक्स, एक ऑर्नामेंट बनाने को बना रहा है एक वर्कर है, उसको दिए जा रहे हैं ही इज़ पेड $1.15। मेरे बेटे याद रहे, एक वर्कर है उसको एक ऑर्नामेंट बनाने के इतने पैसे दिए जा रहे हैं जो कि $1.15 हैं। ही मेक्स फोर ऑर्नामेंट्स, वो क्या करता है, वो क्या कर रहा है, वो चार ऑर्नामेंट्स बना रहा है एवरी 15 मिनट्स। वो 15 मिनट में चार ऑर्नामेंट्स बना रहा है। दोबारा कह रही हूँ कि हमें पहले एक ऑर्नामेंट की प्राइस बताएगी कि वो कितने कमा रहे हैं उससे। उसके बाद ये बताया उन्होंने कि जो फोर ऑर्नामेंट्स है वो 15 मिनट्स में बना रहा है। तो हमने क्या मालूम करना है, फाइंड द अमाउंट अर्न बाय द वर्कर। वो अमाउंट फाइंड करनी है जो वर्कर अर्न कर रहा है, कमा रहा है। अर्निंग मीन्स क्या होता है, कोई भी चीज़ हासिल करना, कमाना, ठीक है बेटा। यहाँ पर कमाने के लिए हासिल सेंस में यूज़ हो रहा है। फाइंड द अमाउंट अर्न बाय द वर्कर, वो कितने अमाउंट अर्न करेगा इफ ही वर्क्स फॉर 3 आवर्स। वो अगर मुस्तकिल 3 घंटे तक काम करेगा तो बताएं वो कितने पैसे कमाएगा, अर्न करेगा। आपने सबसे पहले किसके लिए काम करना है, आप डायरेक्टली अमाउंट सबसे पहले मालूम ही नहीं कर सकते जब तक कि आपको ये ना पता हो कि एक मिनट में कितने ऑर्नामेंट्स तैयार हो रहे हैं। दोबारा कह रही हूँ बेटा, रेटिंग में सबसे पहले अगर ईच या पर आप अगर फाइंड कर लो चीज़, 1 यूनिट फाइंड कर लो, तो आप ईजिली हर चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं हमने बेसिकली क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ ऑर्नामेंट्स हमने फाइंड करने हैं कितने घंटे में, मेड इन 3 आवर्स में, यानी कि 3 घंटे के हमने ऑर्नामेंट्स बताने के, 3 घंटे में कितने ऑर्नामेंट्स बनेंगे, नंबर बताने हैं हमने उनके। तो नंबर बताने का क्या तरीका है, सबसे पहले दोबारा कह रही हूँ कि हमें चार ऑर्नामेंट्स 15 मिनट में बना रहे हैं, हमें 3 घंटे के पहले ऑर्नामेंट्स फाइंड करने होंगे, और उस 3 घंटे से भी पहले हमें 1 मिनट का ऑर्नामेंट फाइंड करना होगा। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दूसरी बात, हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे पास अगर चार ऑर्नामेंट 15 मिनट में बन रहे हैं तो हमारे पास दूसरी यूनिट यूज़ कर दी गई यहाँ पर 3 आवर्स। तो हमारी कोशिश क्या है कि हम इस 3 आवर को भी मिनट में तब्दील कर दें ताकि हमारे पास सेम यूनिट पे काम हो। तो हम यहाँ पर एक की पॉइंट लिख लेते हैं। हमें ये बात पता है कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं बेटा, 60 मिनट्स। याद रहे बात कि 1 आवर में ये सारा काम आपने रफ अपने की पॉइंट में लिखना है, साइड पे जो आपकी लाइन होती है, लाजमी ज़रूरी है, ये कंपलसरी। 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट। तो 3 आवर्स में बेटा, 3 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे, ऑब्वियसली बात है 3 × 60। सो यू नो वेरी वेल, अगर हमने आर को मिनट में तब्दील करना होता है, जो भी हमारे पास वैल्यू होती है हम 60 से उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। बात याद रहे, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, हमें 3 आवर्स का बताना है, 3 को 60 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, यू गॉट 180 मिनट्स। यानी कि हमने 180 मिनट्स पे अपना वर्क करना है। बात याद रहे कि बेटा हमने आर को 180 में तब्दील कर दिया है। तो मैं यहाँ पर आपके सामने क्राइटेरिया सेट कर रही हूँ कि फोर ऑर्नामेंट्स बेटा कितने मिनट्स में बन रहे थे, 15 मिनट्स में। तो मैंने 4 को न्यूमरेटर में प्लेस कर दिया और 15 को डिनोमिनेटर में, क्योंकि मैंने किस पे काम करना है, पर ईच, यानी मैंने देखना यह है कि एक मिनट में कितने ऑर्नामेंट्स बन रहे हैं। तो मैंने ये क्राइटेरिया ऑफ स्ट्रैटेजी यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है। मैं इसी के साथ एक एडिशन ये कर देती हूँ कि मैं इसको एक ही वक्त में मैं अपना 3 घंटे का काम कर लेती हूँ, यानी 3 घंटे के ऑर्नामेंट्स के नंबर्स फाइंड कर लेती हूँ, तो मल्टीप्लाई करवा देती हूँ मैं 180 से, क्योंकि मैंने ये देखो बेटा यहाँ से हमारे पास एक ऑर्नामेंट का तो जवाब आएगा। मैंने डायरेक्ट करने के लिए, डायरेक्ट समझाने के लिए कि ये एक मिनट का हो गया ऑर्नामेंट, ये 1 मिनट का ऑर्नामेंट यहाँ पर आ जाएंगे नंबर्स, लेकिन मैंने क्या करा आपको 3 घंटे का भी इसी के साथ ऐड कर दिया कि 180 मैंने मिनट्स यहाँ शो कर दिए। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो तो हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन करके आप 15 को 180 से कैंसिल आउट भी कर सकते हो। आप ये बेसिक मैथमेटिक्स सब आपको आती है, 5 3 के टेबल से कट रहा है, 3 5 15, और ये हमारे पास 3 के टेबल से 3 6 18 एंड 0 का 0, अगेन ये 5 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, 5 1 5 5 1 5 वन कैरी एंड 5 2 10। अब आपके पास जो वैल्यूज आ गई हैं वो क्या आई हैं बेटा मेरे, 4 × 12 एंड यू नो वेरी वेल 4 12 क्या होता है हमारे पास बेटा,
48, तो इट मीन्स दैट हमारे पास 3 घंटे में, इस 3 घंटे को हमने तब्दील कर दिया था 180 में, तो लेकिन हमने जवाब अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन देना है, तो हमने इसलिए 48 ऑर्नामेंट्स बनाए हैं 3 घंटे में। दोबारा बात याद रहे कि हमने सबसे पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में पर ईच ऑर्नामेंट को निकालना है, लेकिन मैं निकाला नहीं, मैंने क्या करा, इसी के साथ ऐड कर दिया, क्योंकि एक अगर ऑर्नामेंट निकल जाता तो मैं मल्टीप्लाई करवाना है, तो मैंने इसी में इसको ऐड कर दिया है। मल्टीप्लिकेशन वाला काम जो है मैंने इसी अपने पर के साथ ऐड कर दिया, पर ईच ऑर्नामेंट के साथ ऐड कर दिया, टोटल मैंने फिर 3 घंटे के 3 आवर्स के ऑर्नामेंट्स फाइंड आउट कर लिए। 3 घंटे को मैंने कैसे मिनट्स में चेंज किया मैं आपको बता चुकी हूँ। ये अब हमारा जो है, ये हमारे पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, ये तो हमने जस्ट ये बताया कि 3 घंटे में इतने ऑर्नामेंट्स बने हैं। अब हमें ये बताना है कि वो अमाउंट बतानी है, वो जो 3 घंटे तक काम कर रहा है, तो अब ये भी तो बताना है वो कितने पैसे कमाएगा। ये तो अभी आपने सिर्फ ये निकाला है ना कि कितने ऑर्नामेंट्स उसने बनाए, लेकिन अब आपने ये बताना है कि वो कितने पैसे कमाएगा। तो हम अपनी हेडिंग डालेंगे अमाउंट अर्न बाय द वर्कर इन 3 आवर्स। वो कितने, इतने 3 घंटों में, 3 घंटों में अगर वो इतने ऑर्नामेंट्स बनाते हैं तो कितने पैसे कमाएंगे। बहुत आसान है, एक, क्योंकि वो हमारे पास 3 घंटे में 48 ऑर्नामेंट्स बना रहा था। कितने बना रहा था मेरे बेटे? 48 ऑर्नामेंट्स। और आपको अच्छी तरह बात ये पता है कि स्टार्टिंग में आपसे जो वर्डिंग बोली गई थी, एक ऑर्नामेंट को उसको कितने पैसे मिल रहे हैं, यहाँ पर आप लिख भी लो कि उसको एक ऑर्नामेंट के कितने डॉलर मिल रहे हैं, 1.15। तो बताना ये कि 48 ऑर्नामेंट के कितने बनेंगे। बहुत आसान, एक ऑर्नामेंट के अगर 1.15 है, और हमें हमेशा अगर ज़्यादा क्वांटिटी की वैल्यू बतानी है, तो हम कौन सा हमेशा ऑपरेशन अप्लाई करते हैं? मल्टीप्लिकेशन का। तो 48 को हम 1.15 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ये मल्टीप्लाई ईजिली कर लोगे, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन है। अब जो, तो हमारे पास कितने डॉलर्स आ जाएंगे, वो कितने पैसे अर्न कर रहा है, डॉलर 55.20। यानी कि हमारे पास क्लियर एक पिक्चर आ चुकी है कि 3 घंटे में वो जो अमाउंट कमा रहा है या अर्न कर रहा है, वो क्या है मेरे बेटे, 55.20। फिर दोबारा कह दूं कि एक ऑर्नामेंट की कितनी प्राइस है, कितनी वैल्यू, वो कितने पैसे कमा रहे हैं, 1.15। तो 3 घंटे में कितने कमाएगा, तो हमने 3 घंटे में जो हमने ऑर्नामेंट निकाले थे उसके नंबर को हमने एक ऑर्नामेंट की डॉलर से मल्टीप्लाई कर अपना अमाउंट बता दिए। जजाकल्ला।